ये कानपुर का एक बहुचर्चित केस है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हमने पीड़ित पक्ष के नाम बदल दिए हैं। 27 सितंबर 2010 शुक्रवार दोपहर के 2 बजने वाले थे। कानपुर के बड़ा चौराहा स्थित मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने महिला अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़ी थी। तभी उसे खबर मिली कि उसकी बड़ी बेटी श्रुति की हालत स्कूल में खराब हो गई है, वो तुरंत हेलेट हॉस्पिटल पहुंच जाए। श्रुति 12 साल की मासूम सांवली सी लड़की जो कल्याणपुर स्थित भारतीय ज्ञानस्थली स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा थी। यह स्कूल रावतपुर निवासी चंद्रपाल वर्मा का था, जिसका कामकाज चंद्रपाल के बेटे मुकेश और पीयूष देखते थे। श्रुति 27 सितंबर 2010 को स्कूल गई थी। इंटरवल के पहले तक वह ठीक थी और साथी छात्राओं से बात कर रही थी। इंटरवल के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा। स्कूल प्रशासन को जानकारी हुई तो उन्होंने श्रुति को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजनों को जानकारी दी। परिजन श्रुति को अस्पताल ले गए। श्रुति को डांस करना, अपनी छोटी बहन के साथ गुड़ियों से खेलना पसंद था और पसंद था माँ से कहानियां सुनना। श्रुति की आंखों में वही मासूमियत थी जिसके लिए मासूमियत शब्द बना है। वही मासूम इस समय जमीन पर लेटी थी और वो जमीन हेलेट हॉस्पिटल की नहीं, पोस्टमार्टम हाउस की थी। उसकी माँ कावेरी को श्रुति नहीं मिली, मिला तो उसके खुद के खून से भीग रहा उसका शरीर। श्रुति के साथ उसके ही स्कूल में दरिंदगी की गई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य। आज की इनसाइड स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस हैवानियत में श्रुति की जान चली गई थी, लेकिन अभी तो सिर्फ श्रुति की मौत हुई थी, सिस्टम की मौत तो अभी बाकी थी। शिक्षा के मंदिर में हुए इस गुनाह का गुनाहगार था स्कूल प्रबंधक का लड़का पीयूष, और इस बलात्कारी और हत्यारे का बचाव पूरा पुलिस का अमला कर रहा था। आनंद फानन में स्वरूप नगर की एक महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि श्रुति गर्भवती थी और गर्भपात की दवा के नुकसान की वजह से रक्त बहा और वो मर गई। 12 साल की बच्ची को गर्भवती घोषित करने वाली डॉक्टर का जमीर क्यों मर गया, ये वही जाने। यह मामला मीडिया की सुर्खियों में था। आम लोगों ने भी हैवानियत के आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बदले में पुलिस प्रशासन ने मीडिया कर्मियों और आम लोगों पर जमकर लाठियां चलाई। अखबार की सप्लाई की गाड़ियां रोक दी गईं, लेकिन जब मीडिया का दबाव बढ़ता गया तो जल्दबाजी में असली आरोपियों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने दिव्या के पड़ोसी मुन्ना नाम के एक निर्दोष रिक्शा चालक को गिरफ्तार करके 3 दिन तक इतना अधिक मारा कि उसने निर्दोष होते हुए भी श्रुति से बलात्कार और गर्भपात की दवा देना स्वीकार कर लिया। मुन्ना जेल चला गया और अपराधी खुलेआम घूमता रहा। पर एक माँ को पता था कि उसकी बेटी का गुनाहगार कौन है। पुलिस का दमन चलता रहा। सामाजिक संगठनों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए। जन दबाव में आकर 24 अक्टूबर 2010 को मायावती सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी। सीबीसीआईडी की जांच इंस्पेक्टर एके सिंह ने की थी, जिसमें मुन्ना बेकसूर पाया गया और स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल वर्मा, उनके बेटे पीयूष, मुकेश और कर्मचारी सतीश पर आरोप सिद्ध हुए। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 24 दिसंबर 2010 सीबीसीआईडी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। पुलिस उप महानिरीक्षक प्रेम प्रकाश के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और उनका तबादला कर दिया गया। वहीं एक पुलिस अधीक्षक लाल बहादुर, क्षेत्राधिकारी एल मिश्रा और थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए। इन तीनों के खिलाफ भी जांच शुरू करने तथा कल्याणपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। समय बीतता गया, निलंबित अधिकारी धीमे धीमे बहाल हो गए। समाज, मीडिया, हम और आप तो कब का श्रुति को भूल गए, लेकिन दिन पे दिन कमजोर होती श्रुति की माँ अपनी बेटी के न्याय की आस लिए हर हफ्ते कचहरी के चक्कर लगाती रही। भारतीय ज्ञानस्थली स्कूल की दीवारों में मासूम चीखें सिमट कर रह गईं। आखिरकार 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद 5 दिसंबर 2018 बुधवार को फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने मुख्य आरोपी पीयूष को दरिंदगी और हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके भाई सुधीर उर्फ मुकेश वर्मा और भारतीय ज्ञान स्थली स्कूल के मैनेजर संतोष कुमार उर्फ मिश्रा जी को लापरवाही में 1-1 साल की सजा दी।
पीयूष पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि मुख्य आरोपी के पिता को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कानपुर के लिए यह पहला केस बना जहां गवाहों के जरिए नहीं बल्कि वैज्ञानिक सबूतों के जरिए अभियुक्तों को सजा मिली। पीड़ित पक्ष के वकील अजय भदौरिया ने पूरा मुकदमा बिना पैसे लिए लड़ा।